किताब खर्ग का चैप्टर 6 से है। ये क्या है? वचन। क्या है? वचन। आज हम पढ़ेंगे वचन, लड़का और लड़की। इसमें कुछ चित्र दे रखे हैं, आप अपनी अपनी बुक में लिखेंगे। लड़का, एक लड़का है, लड़के में अनेक है, तोता एक है और तोते अनेक है, बहुत सारे, अनेक का मतलब बहुत सारे होते हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में से पहले चित्र में एक लड़का है और दूसरे चित्र में अनेक लड़के हैं। इसी प्रकार तीसरे चित्र में एक तोता है और चौथे चित्र में अनेक तोते हैं। यहाँ लड़का और तोता शब्द संख्या एक होने का बोध करा रहे हैं। इसमें लड़का और तोता क्या है? एक है, तो इसमें क्या हो गया? एक वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं, है ना, एक वचन और बहुवचन। अभी आप पढ़ेंगे एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। एक होने का बोध हो रहा है, यहाँ लड़का और तोता शब्द संख्या में एक होने का बोध करा रहे हैं, जबकि लड़के और तोते शब्द संख्या में अनेक होने का बोध करा रहे हैं। जहाँ दो लड़के हैं, बहुत सारे तोते, इसमें अनेक होने का, अनेक में बहुत सारे, तो क्या हो गया? ये बहुवचन हो गए। जिन शब्दों के द्वारा वस्तु के एक अथवा अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जिन शब्दों के द्वारा वस्तु एक अथवा अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अब वचन की परिभाषा क्या है? शब्द के जिस रूप में अनेक अथवा एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप में एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। जिस शब्द में एक होने का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? एक वचन। जिस शब्द में एक होने का बोध होता है उसे एक वचन। जिन शब्द में एक से अधिक अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन, है ना। एक जिन शब्द में एक होने का बोध होता है उसके उदाहरण क्या है? जैसे घोड़ा, पुस्तक, बच्चा, मछली, थाली, ये सब क्या है? एक है। घोड़ा एक है, पुस्तक भी एक है, बच्चा भी एक है, मछली, थाली, सब क्या है? एक वचन। जब थालियाँ होता तो क्या हो जाता? बहुवचन हो जाता। अब हम पढ़ेंगे बहुवचन। जिस शब्द में एक से अधिक होने का बोध होते बहुवचन, जिस शब्द से उसके एक से अधिक, जिस शब्द में एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े, पुस्तक, बच्चे, मछलियाँ, थालियाँ, इसमें क्या होगा? बहुवचन। घोड़े, घोड़े में बहुत सारे, पुस्तक में बहुत सारी पुस्तक है, बच्चे, बच्चे में एक से अधिक है ना, जहाँ बहुत सारे, मछलियाँ, थालियाँ, ये सब क्या है? एक से अधिक है। शब्दों के एक वचन और बहुवचन, आप शब्दों में कुछ एक वचन और बहुवचन आपकी बुक में दे रखे हैं, अब आपको इसको पढ़ना है और बताना है क्या एक वचन है क्या बहुवचन है। माला एक वचन है, माला है बहुवचन है। घड़ी एक वचन है, घड़िया बहुवचन है। चूहा एक वचन, चूहे बहुवचन। इस प्रकार से बहुत सारे चीज़ें दी, एक वचन और बहुवचन के नाम दे रखे हैं। किसी के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए सदा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी को आदर, रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं, तो उसमें काय का प्रयोग किया जाता है? हमेशा बहुवचन का। जैसे माँ चली गई है, पिताजी आ गए। माँ चली गई है और पिताजी आ गए, भैया बाजार गए, आदि। इनमें काय का बोध हो रहा है? बहुवचन का। किन शब्दों का बोध हो रहा है? बहुवचन का। कुछ शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन के रूप में होता है, कुछ शब्द का प्रयोग हमेशा क्या होता है? बहुवचन में। जैसे हस्ताक्षर, बाल, हस्ताक्षर में साइन करना है ना, बाल, बाल में छोटा, दर्शन में किसी चीज के भगवान के दर्शन करना, आंसू, प्राण, लोग, इसमें क्या होता है? बहुवचन के, बहुवचन का प्रयोग होता है। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, कुछ शब्द क्या होता है? हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे भीड़, आप बहुत सारे लोग खड़े हैं वहाँ पर, भीड़ लगी, तो क्या बोलेंगे? भीड़ लगी, ऐसा बोलेंगे क्या? भीड़ लगी। हाँ, बहुत सारी बरसात, बरसात हो रही, बरसात में कितनी बूंदी आती है, लाखों करोड़ों ना जाना गिर नहीं सकते, इतनी बूंदी आती है, तो क्या बोले? बरसात आ रही। तो क्या हो गया इसमें? बहुवचन का बोध हो रहा है। जनता, बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारी जनता खड़ी, तो क्या बोलेंगे? लोग खड़े हैं क्या? ऐसा बोलेंगे जनता। जनता में बहुवचन हो गया, ये ना सोना, सोना और चांदी, अपन जो आभूषण पहनते हैं सोना चांदी, इसमें क्या आता है? बहुवचन आता है। अरे कुछ शब्दों में बहुवचन आते हैं, तो कुछ शब्दों में एक वचन के रूप में, कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप, सॉरी एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे भीड़, भीड़ एक वचन, बरसात, जनता, सोना, चांदी, क्या हो गया? पानी, ये क्या हो गया? एक वचन हो गया। और बहुवचन में क्या आ गया? हस्ताक्षर, बाल, दर्शन, आंसू, प्राण, लोग, ये क्या हो गए? बहुवचन हो गए। अब वचन बदलने में ई तथा ऊ की मात्रा बदल कर ई या ऊ की मात्रा हो जाती है। जब अपन वचन बदलते हैं तो क्या होता है? मात्रा बदल जाती है। वचन बदलते टाइम बड़ी से क्या हो जाती है? बड़ों की मात्रा हो जाती है, और छोटी से छोटे ऊ की मात्रा हो जाती है। जैसे
चीटी चीटी में जो आखिरी में टी में कौन सी माता, चीटी में कौन सी माता लगी, बड़ी की माता लगी। अब अपन लिखेंगे बहुवचन में चीटियाँ, तो क्या हो गया बड़ी की माता से क्या हो गया छोटी की माता, कई की माता आ गई अब छोटी की माता। जैसे घड़ी, घड़ी में कौन सी माता लगी है, अड़ में बड़ी की माता लगी है, घड़ियाँ, तो क्या हो गया बहुवचन। इसमें या के ऊपर चंद्र गुजरे, दवाई दवाइयाँ, वधु वधु, इस प्रकार वचन जब बदलते हैं तो मात्राएँ भी बदल जाती है। जैसे कुछ इसमें लिखा है पिंक शब्दों में आओ दोहरा, ये टाइप के लिए होता है आओ दोहरा, ये हमें चार पांच लाइनें जो दो दो तीन तीन बार पढ़नी चाहिए जिसे हमें याद ले जाए कि बहुवचन क्या होता है ये समझ में आ जाए। शब्द की जिस रूप में उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्द की जिस रूप में उसकी संख्या का बोध हो, एक से अधिक संख्या हो गई तो क्या हो गया वचन बदल जाता, उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आदर्श सूचक शब्द सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आदर्श सूचक मीन्स आदरणीय, जो रिस्पेक्टेड बड़े लोग व्यक्ति के लिए अपन यूज करते हैं शब्द, वो हमेशा कैसे होते हैं बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में होते हैं, कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जो एक वचन के रूप में प्रयोग में आते हैं, कुछ शब्द बहुवचन के रूप में। जो अभी मैंने बताया था बहुवचन के रूप में एक वचन के रूप में ऊपर अपने पढ़ा, वचन बदलते समय बड़ी से बड़ों की मात्रा हो जाती है। जब अपन वचन बदलते हैं तो मात्राएं चेंज हो जाती है, बड़ी ई की मात्रा से क्या हो जाएगा बड़ों की मात्रा, तो छोटे ई से छोटों की मात्रा में बदल जाते हैं। दिए गए शब्द को बहुवचन की कुछ अभ्यास दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 दे रखे, तो इसमें कुछ शब्द लिखे एक वचन और बहुवचन, इन शब्दों को काय में बदलना है बहुवचन के रूप में बदलना है। कुछ शब्द दे रखे इनको बहुवचन के रूप में आपको अपने मन से बदलना है, आपको बताना है कि एक वचन से इसको बहुवचन में अपन किस प्रकार बदलेंगे। जैसे अपन ने लिखा घड़ी, घड़ी का क्या बताएंगे आप लोग, क्या होती है एक वचन की बहुवचन है घड़ी, एक वचन, तो घड़ी का क्या हो जाएगा घड़िया हो जाएगा। क्यों घड़िया हो जाएगा, क्योंकि घड़िया बहुवचन है। माला, माला क्या है एक है, अब बहुत सारी मालाएं हो गई तो क्या हो गया बहुवचन, इसको माला को अपन काय में बदलेंगे बहुवचन, तो माला का बहुवचन क्या आएगा मालाएं। मछली, मछली का बहुवचन क्या आएगा मछलियाँ। चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन क्या आएगा चिड़ियाएं।